नमस्ते बच्चों, सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस। सॉरी, मैं आपको सिलेबस लिखवाना भूल गई थी। तो हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस भी जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस है वैसे ही 100 मार्क्स का, बस 100 मार्क्स को डिवाइड किया हुआ है दो हिस्सों में। 20 नंबर प्रोजेक्ट के और 80 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा हमारा। 20 नंबर का प्रोजेक्ट होगा, आपको एक फाइल बनाने के लिए कहा जाएगा जिसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। राइट, अब इस 80 नंबर के बारे में बात करते हैं। ये जो 80 मार्क्स हैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए भी 40 मार्क्स का है, पार्ट बी भी 40 मार्क्स का है। पार्ट ए में पूरा बिजनेस के बारे में बात की जाएगी, पार्ट बी में बिजनेस के फाइनेंस, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। तो इन्हें नोट करते जाइए। सबसे पहले एक नज़र डाल लीजिए कि आपके कितनी जगह घेरेगा ये, आप जब आप लिखेंगे इसको। ठीक है, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। पार्ट ए में 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको कहा था अभी हमने छोड़ा हुआ है, उसको हम बाद में करेंगे। अदरवाइज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। तो चैप्टर 1 है व्यवसाय की अवधारणा, जिसमें व्यवसाय का मतलब क्या है, व्यवसायिक जोखिम क्या होता है, कितने तरह का है, उद्योग, वाणिज्य, ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस। क्या हमारा रह गया है इसमें, व्यवसाय की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में थोड़ा सा है। थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है वो टॉपिक, तो मुझे लगा कि आपको इसको बाद में करा देंगे, क्योंकि एक या दो नंबर का क्वेश्चन उसमें से आता है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा व्यवसायिक संगठनों का स्वरूप है। अलग अलग तरह के बिजनेस देखते हैं आप, जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक रेडी वाले को देखते हैं, आप खन्ना स्टोर देखते हैं, स्टेशनरी की दुकान देखते हैं, हल्दीराम देखते हैं, मैकडॉनल्ड्स देखते हैं, बाटा स्टोर देखते हैं, अलग अलग तरह के संगठन देखते हैं। तो वो कितने तरह के संगठन के स्वरूप हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये पहला और दूसरा चैप्टर दोनों को मिलाकर 16 नंबर है, 16 मार्क्स, नोट करते जाइएगा इसको। चैप्टर नंबर 3 है हमारा निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम। इसके बारे में पूरा, जैसे इसमें निजी क्षेत्रों का कितना योगदान है, जैसे टाटा है, एयरटेल है, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, और सार्वजनिक का मतलब अगर सरकार की क्या भूमिका है, अगर हम रेलवेज की बात करते हैं तो, और भूमंडलीय उपक्रम मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक से ज़्यादा देश में अपने व्यवसाय का विस्तार करती हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सी, इनके बारे में हमने सुना है। तो भूमंडलीय उपक्रम क्या होते हैं, निजी क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, इनके बारे में हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है व्यावसायिक सेवाएं, व्यवसाय द्वारा क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं, क्या क्या सेवाएं वो उपयोग करते हैं। जैसे थोड़ा सा इसमें हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी किया था, तो उससे रिलेटेड ही कुछ यहाँ पर है। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये दोनों मिलाकर हैं हमारे 14 नंबर के, 14 मार्क्स, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 है व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ, जो नई नई स्ट्रैटेजीज, नए नए आयाम, जैसे ई बिजनेस के बारे में आजकल, जैसे ई ऑनलाइन क्लासेस हम देख रहे हैं ना, ऐसे बिजनेस, ई बिजनेस इंटरनेट के माध्यम से जो बिजनेस हो रहा है, किन तरीकों से उसमें पेमेंट की जा सकती है, कौन कौन से नए आयाम है व्यवसाय में, डायमेंशन, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें। जैसे पहले तो बैंकों से पैसा लेने के लिए हमें बैंकों में जाना पड़ता था, तो क्या अब भी हम बैंकों में जाते हैं, या कोई और तरीका है जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत बार टीवी में ऐड भी आती है कि रक्षाबंधन पे भाई ने बहन को पैसे देने, तो उसने पेटीएम ही कर दिया। तो व्यवसाय की अलग अलग पद्धतियों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। 6th चैप्टर है हमारा व्यवसाय के सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, कि क्या बिजनेस का कोई सामाजिक दायित्व भी बनता है, कि समाज के प्रति भी व्यवसाय जिम्मेदार है या नहीं है। काफ़ी आसान टॉपिक है ये। तो 10 मार्क्स का ये हमारा चैप्टर है। तो टोटल मिलाया पहला दूसरा 16 नंबर का, तीसरा चौथा 14 नंबर का, और पांचवा और छठा जो है वो 10 नंबर का, 10 मार्क्स का। तीनों को टोटल करा तो टोटल हो गया हमारा 40। तो इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में हमारे बच्चों 4 चैप्टर्स हैं, 7th, 8th, 9th और 10th। सातवा चैप्टर है व्यवसायिक वित्त के स्रोत, पैसा कहाँ से इकट्ठा करता है व्यवसाय, इसके बारे में जब ये चैप्टर आएगा तभी डिस्कस करेंगे। आठवां है लघु उद्योग, स्मॉल बिजनेस,
लघु उद्योग क्या होते हैं, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योगों की बहुत भूमिका है और ये टॉपिक कोई नया नहीं है। आपने डेफिनेटली सोशल साइंस में कहीं ना कहीं लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले से, तो आप जानते हैं, कुछ ऐसा बहुत नया नहीं लगेगा आपको इसमें। ये पता चलेगा कि आज सरकार ने क्या क्या स्कीम्स और लागू की हैं लघु उद्योगों के लिए। तो सातवां और आठवां चैप्टर दोनों को मिलाकर है 20 मार्क्स। नाइन्थ है, नौवां चैप्टर है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार का मतलब भारत में, भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही जो व्यापार किया जा रहा है उसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। तो आंतरिक व्यापार कितने तरह का होता है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दसवां है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब जब हम देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर व्यापार कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश से बिजनेस कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 20 मार्क्स नौवे और दसवें चैप्टर को मिलाकर। और हमारा 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।